दर्शकों, वेजले कंपनी की बात करें तो दिन दूनी रात चौगुनी धीरे धीरे तरक्की करता जा रहा है। आज दैनिक जागरण ने सम्मान दिया है भारत की शान। हमारे बीच में लक्ष्मण दास बजाज साहब हैं। बजाज साहब, आपको ये सम्मान मिला है, क्या कहना चाहेंगे? ये तो कोई किसी को सम्मान मिलता है तो उसके लिए बड़ी गौरव की बात होती है जी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। वही बात करें, एक के बाद एक लोगों की जबा पे चढ़ता जा रहा है वेजले। ये सब ऊपर वाले की खुदा की मेहरबानी है साहब। कैसा महसूस हो रहा है दैनिक जागरण से सम्मान ये लेकर? पूर्व में मान लो भारत की शान का जो सम्मानित किया है, इसके लिए मैं दैनिक जागरण के वाइस प्रेसिडेंट का बहुत आभारी हूँ और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे, लाखों प्रोडक्ट छोड़ करके आपने वेजले ही को ही क्यों चुना? सी, वेजले का अगर देखा जाए तो इनके प्रोडक्ट्स एक तो हेल्दी है, ठीक है जी। इफ़ यू कंपेयर कि आज की जो जनरेशन है वो फास्ट फूड की तरफ भागती है, बिल्कुल ठीक बात है। बर्गर्स, चाउमीन, पिज़्ज़ा, आई थिंक उनसे उनकी हेल्थ भी इफेक्ट होती है। बिल्कुल ठीक। आज के पेरेंट्स भी आज के डेट में बड़ा परेशान रहते हैं क्योंकि बच्चे आजकल उसके बिना कुछ खाते नहीं है, घर का खाना तो भूल ही गए हैं। बट वेजले ने जो ऐसे प्रोडक्ट्स निकाले हैं जो आपको उससे मैच करते हैं, ठीक है जी, तो आज के डेट में हेल्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती उन फूड खाने से। बेहतरीन है, प्रोटीन है, सब कुछ उसमें मिल रहा है आपको, जो एक बच्चे को मिलना चाहिए उस प्रोडक्ट्स में सब आपको मिल रहा है। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स दैट वेजले हैज लॉन्च्ड दीज प्रोडक्ट्स। और मैं यही कहूँगी कि आने वाले टाइम में, अभी जैसे दिल्ली NCR में वेजले का फुल फ्लैश चल रहा है, तो आने वाले टाइम में पूरे भारत में इनका नाम हो। मैं ये शुभकामनाएं मैं इनको देता हूँ, बजाज जी को, कि अगले आने वाले टाइम में वो पूरे भारत में छा जाए अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे इस प्रोडक्ट से? लोगों से यही अपील करेंगे कि आप ये प्रोडक्ट आजमाइए, खाइए। खासकर पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा कि आप ये प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, अपने बच्चों को दीजिए। जो लंच में जो बर्गर पिज़्ज़ा ले जाते हैं, इससे बेटर है कि इस प्रोडक्ट्स को आप उनको दीजिए, तो कोई हेल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हेल्थ इश्यूज़ आज की डेट में चल रहे हैं, ओबेसिटी इतनी चल रही है आज की डेट में, आप देखा जाएंगे तो हर एक बच्चा इतना मोटा होता जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस जो अनहाइजीनिक फूड खाते हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें, ये शाकाहारी प्रोडक्ट जो लेकर के आए हैं, शाकाहारी में आप ये कह सकते मांसाहारी में प्लस पॉइंट ये है कि ये शाकाहारी है, ठीक है जी। मांसाहारी में देखिए उसके साइड इफेक्ट्स बहुत रहते हैं आप देखे जाए तो, इट्स वन ऑफ द, मैं यही कहना चाहूँगा, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स आई एवर सीन। आई माई सेल्फ टेस्टेड दिस प्रोडक्ट, मेरे परिवार में भी टेस्ट किया है, एवरीबडी हैज़ लाइक्ड इट। और मैं अपने जितने भी रिलेशंस में भी उनको पुश करता हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट लीजिए। एग्ज़ाम्स के दिन चल रहे हैं, ऐसे में वेजले ने भी एक एग्ज़ाम दिया है, कितने नंबर देना चाहेंगे? मैं तो पूरे 100 में से 100 देना चाहूँगा जी वेजले को। चेक करा है, क्या कहेंगे? 100 में से 100 मार्क्स देना चाहूँगी डेफिनेटली वेजले के इटालियन पास्ता को जी। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे, कितने महीनों से कितने सालों से वेजले से तो करीबन 6 महीने से ऊपर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। इनके सारे प्रोडक्ट मैंने टेस्ट किए हैं और जो सबसे प्लस पॉइंट मेरे को सबसे पहले जो लगा था कि इनके कोई भी आप प्रोडक्ट उठा के देखिए उसमें नॉनवेज का टेस्ट है जी। इससे क्या होता है कि जो जीव हत्या होती थी पहले वो खत्म हो रही है और जो आज की डेट में जो मार्केट में वो आते हैं पोल्ट्री फार्म से, उसमें कई सारी बीमारियाँ होती हैं और वेजले के इस कदम उठाने से कई बीमारियों से लोग बच रहे हैं। कई लोगों को मैंने क्वेश्चन भी किया, इंटरव्यू लिया जी, जी। जो पहले नॉनवेज के बहुत शौकीन थे, वेजले के टेस्ट करने के बाद कई लोगों ने छोड़ भी दिया नॉनवेज खाना, क्योंकि वो इसलिए नहीं छोड़ते थे, उनको टेस्ट नहीं मिलता था। अब उनको हेल्दी प्रोडक्ट में अगर नॉनवेज टेस्ट मिल रहा है तो उनको हेल्दी प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। तो आपने कौन सा प्रोडक्ट टेस्ट करा है? मैंने सर के लगभग सारे प्रोडक्ट टेस्ट किए हैं, बिरयानी टेस्ट की है, रोगन जोश टेस्ट किया है, टिक्का चेक किया है, चिकन टेस्ट किया है जी। मतलब ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट टेस्ट किया है मैंने। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अगर जो मांसाहारी हैं वो भी मांसाहारी से हट मांसाहार छोड़ करके जीव हत्या हटाएं, जो कि हमारे मोदी जी का भी है कि जीव हत्या हटा, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो स्वस्थ उसको मकसद पूरा कर रहा है वेजले, लोगों को स्वस्थ भारत बनाने का एक मुहिम कदम उठाया हुआ है। जो मैं भारत क्या पूरी दुनिया से कहना चाहूँगा कि वो लोग इसमें सर का साथ दें, वेजले फूड को इस्तेमाल करें।